अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ ऐसे प्रोडक्ट का जो आजकल हर माँ की ज़रूरत है, स्टिक ऑन वाइट बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, 2 महीने पहले मैंने इसको बाई किया था और इसका एक पीस सिंस 1 मंथ मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो इसके साथ मार्केट आया था वो उतना अच्छा फिजिबल नहीं था, वो ख़राब हो गया था, एक दिन में ही ख़राब हो गया था। इसका हाफ़ पीस आज मैंने यूज़ किया है तो प्रॉब्लम ये आता है इसको लगाने में कि इसमें बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आपको उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से संभाल के लगाना होता है या कोई प्रोफेशनल ही लगाए इसको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों दफ़ा लगाने पे बबल्स लाजमी क्रिएट हुए। जैसे आप देख सकते हैं लाइंस बन रही हैं। पीछे इसके एक पेपर दिया गया है, उसको आप स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करेंगे और फिर इसको लगाएंगे। इसके लिए आपके पास प्रॉपर सरफेस होना ज़रूरी है, मेरे पास चूंकि नहीं थी, मैंने कबर्ड और अपना स्टोर का डोर यूज़ किया था इसको लगाने के लिए। आप चाहें तो उसको प्रॉपर अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, वॉल पे भी आराम से स्टिक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लाइंस क्रिएट हो रही हैं, लाइंस बन रही हैं, बबल्स भी बनेंगे। इससे पहले जो मैंने लगाया था उसमें बबल्स भी बने थे। काफ़ी ज़्यादा लंबी शीट आई थी मेरे पास, बड़ी शीट थी, ऑलमोस्ट ये 850 रुपीज़ की मैंने बाई की थी। अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मार्कर इसका अलग से लेना पड़ेगा, टेम्प्रेरी मार्कर विद इंक मैंने इसको अलग से बाई किया था। थोड़ा प्रोफेशनल यूज़ इसको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका हाफ़ पार्ट मैं यूज कर चुकी थी, ये मैंने हाफ़ न्यू पार्ट इसका लगाया था, कट करके इसको मैंने संभाल के रख दिया था। दोबारा मैंने इसको लगाया जो हाफ़ पार्ट रह गया था। अब मैं आपको उसका सेकंड पार्ट शो करूँगी। ये आप इसका पेपर देख सकते हैं जो रिमूव करके हमने लगाया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। ये इसका सेकंड पार्ट था जो मैंने, फ़र्स्ट पार्ट था जो मैंने अप्लाई किया था और ये ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। धब्बे रह जाते हैं मार्कर के बट वो साफ़ हो जाते हैं।